मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंड्स पेपर का सोल्यूशन था हमारे और ये स्प्रिंग बोर्ड में पेपर हुआ था कौन से बैच में हुआ था एफ ट्वेल्व बैच में हुआ था ये पेपर और ये आपका रीजनिंग का पेपर हुआ था तो इसका सोल्यूशन मैं आपके पास करवाने जा रहा हूँ ठीक है तो पहला एग्जाम्पल देखता अपने पहला एग्जाम्पल फ्रेंड्स देखिए आया आपका डायरेक्शन से क्या बोला कुणाल का घर एक कॉफी शॉप के दक्षिण में स्थित है तो देखिए कॉफी शॉप में कहीं भी बना लेता हूँ यहाँ बना लेता हूँ मैं कॉफी शॉप और कुनाल का जो घर है इस कॉफी शॉप के दक्षिण में स्थित है ठीक है ये हो गया आपका घर आगे क्या बोल रहा है ठीक है कॉफी शॉप के पूर्व में पूर्व में एक उद्यान है तो ये तो कॉफी शॉप थी आपकी अब इसका पूर्व पूर्व किस तरफ होगा ये और यहां पर क्या है एक गार्डन है आगे क्या बोल रहे देखिए उद्यान के उत्तर में स्थानीय बाजार है और ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पर स्थानीय बाजार है आगे क्या बोल रहा है यदि उद्यान से बाजार की दूरी कुनाल के घर से कॉफी शॉप की दूरी के बराबर है तो कॉफी शॉप के संबंध में बाजार किस दिशा में स्थित है तो देखिए ये जो दूरी है और ये जो दूरी है ये इक्वल है आपसे बस डायरेक्शन पूछा ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है डायरेक्शन पूछा है कि कॉफी के संदर्भ में बाजार किस स्थिति में तो कॉफी शॉप ये रही और बाजार आपका ये रहा, तो कौन सी दिशा रहेगी ये वाली ये वाली आपकी रहेगी उत्तर पूर्व ठीक है डी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला एग्जाम्पल फ्रेंड्स ये स्लोजम का है और इसमें देखिएगा क्या बोल रहा है कुछ अध्यापक छात्र तो ये हो जाएंगे अध्यापक और ये हो जाएंगे स्टूडेंट मतलब छात्र आगे बोल रहा है सभी छात्र लड़कियां हैं तो ये जो सभी छात्र हैं वो क्या हैं लड़कियां हैं अब हम निकलते हैं निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे क्या सभी अध्यापक लड़कियां हैं नहीं ये वाला जो पोर्शन है वो नहीं है तो क्रॉस हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स सिलोज में एक परसेंट भी चांस होता है गलत करने का तो आप उसे तुरंत गलत कीजिए ये तो है ये वाले टाइप का एक आता है संभावना वाला वो आपके सिलेबस में नहीं है वो बैंक में आता है उसमें कंडीशन दूसरी होती है इसमें कहीं पे भी आपको लगे एक परसेंट भी गलत है जैसा कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लग रहा है कि अध्यापक क्या है सभी अध्यापक लड़की हैं लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ये वाला जो पार्ट है वो लड़की का नहीं है तो इसलिए पहला तो आपका निष्कर्ष जो है वो गलत हो गया आगे क्या बोल रहा है कुछ लड़कियां अध्यापक हैं तो ये कुछ जो लड़कियां हैं ये तो होंगी होंगी तो ये वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसके बाद क्या बोला है कुछ लड़कियां छात्र हैं तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये वाला हमेशा क्या रहेगा छात्र का रहेगा ही तो ये वाला भी सही रहेगा सभी छात्र जो हैं वो शिक्षक हैं शिक्षक वही अध्यापक है ठीक है यहाँ पे ट्रांसलेशन में हो गया तो सभी छात्र अध्यापक है नहीं ये वाला जो पार्ट है वो अलग से ही अध्यापक का है तो ये नहीं हो सकता है तो देखिए मेरे कौन कौन से सही जा रहे हैं एक तो सेकंड और थर्ड क्या ऑप्शन में दे रखा है क्या सी ऑप्शन में दे रखा है केवल सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं ठीक है बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल फ्रेंड्स मिरर इमेज का है सॉरी वाटर इमेज का है क्योंकि नीचे दे रखा है यहाँ पे मिरर जो होता है वो यहाँ पे दिया हो रहता है तो बड़ा ही ईजी है बस इसको पलटा देना है और पलटा पलटा देने पे ये इसका आंसर होगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या घुमाया है और घुमाया किस हिसाब से

और नौ नौ ये अट्ठारह ये वाली तो कंडीशन सेट बैठ गई सेकेंड वाले की बात करूं मैं ग्यारह और छह कितना होता है आपके सत्रह सत्रह और तेरह कितना होता है तीस तो ये भी कंडीशन सही बैठ गई मतलब कि पैटर्न तो आपका यही लगेगा तो बस आपको करना क्या जोड़ देना है उन्नीस में जीरो जोड़ेंगे तो उन्नीस ही आता है और तीन और जोड़ दिया मैंने तो कितना हो जाएगा बाईस क्या बाईस ऑप्शन में दे रखा है हाँ सी में दे रखा है सी इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल जो ये है वो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्रॉस कोडिंग भी लगी है क्रॉस कोडिंग तो लगी लगी है प्लस इसमें प्लस माइनस भी हुआ है मैं यहाँ पर एक पैटर्न आपको सॉल्व करके बता देता हूँ क्या दे रखा है डायरेक्टर ठीक है इसका कोड आपको दे रखा है एस सी पी एच U, Q, D और फिर D. अब देखिएगा क्या पैटर्न लगा है इसके अंदर देखिए लास्ट वाला जो है वो तो फर्स्ट में आ जाएगा और क्या हुआ है ये 18 पे ये 19 पे मतलब कि प्लस वन और जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड पे आएगा और D से C हुआ है मतलब कि माइनस वन फिर वापस से हम लास्ट से उठेंगे ओ उठा है तो P हो गया और यहां पर क्या हो गया प्लस वन हो गया मतलब जब भी आप लास्ट से उठाते हैं तब तो आपको प्लस वन करना है और जब भी स्टार्टिंग से उठाते हैं तो माइनस वन करना है एक बार तो पीछे से उठाना है और एक बार आगे से अब अपन दो बार तो उठा चुके अब यहां से आई का नंबर आएगा तो वो जाएगा एच की तरफ और ये माइनस वन फिर वापस टी की बारी आएगी टी को उठाया मैंने यहां पे टी बीस पे आता है और यू इक्कीस पे ठीक है अब यहां से क्या आएगा आर आएगा आर अट्ठारह पे आता है और क्यू कितना आता है सत्रह पे माइनस वन वापिस यहां से सी से उठाएंगे तो प्लस वन और ई से उठाएंगे तो माइनस वन तो इस तरीके से था देखिए जो आपका वर्ड है वो आठ में है और ये अगर मैं बात करूँ तो चार चार में मतलब चार तो आपके आगे आएंगे और ये चार ही पीछे जाएंगे ऑल्टरनेट एक पहले एक ये ठीक है थोड़ा सा टफ है अब उस हिसाब से हम कस्टमर का निकालेंगे तो मुझे बताइएगा कस्टमर से मैं सबसे पहले क्या उठाऊंगा आर उठाऊंगा क्योंकि लास्ट में आ है और लास्ट से उठा रहे तो क्या करना है आपको प्लस करना है प्लस करना है तो मतलब कि ऐसा आ जाएगा अब क्या करना है मेरे को सी उठाऊंगा सी उठाएंगे तो आगे से उठा रहे तो क्या करना है माइनस वन करना है और सी में से माइनस वन करेंगे तो एस बी फिर वही पीछे से उठाना है e. ई और ई e पीछे से उठा रहे हैं तो क्या करना है प्लस वन करना है प्लस वन करेंगे ठीक है आगे क्या रहा है यू और यू कितने पे आता है आपका इक्कीस पे इक्कीस से मैं अगर एक माइनस करूँ तो बीस और बीस क्या टी तो अगर ये चार लेटर मिल रहे हैं क्या अभी चार लेटर देखो बी में भी मिल रहे हैं और डी में भी मिलने मतलब ये तो क्रॉस हो जाएगा ये तो ये भी क्रॉस हो जाएगा अब अपने को एक और लेटर चाहिए एम आएगा के न, उसके बाद अपना सोलो हो जाएगा ज्यादा आगे तक नहीं लेके जाना है तो देखिएगा अब अपने को क्या लेना है यहाँ तक अपने टी तक ले लिया था कस्टमर में सॉरी पहले आर उठाया फिर सी फिर ई उठाया फिर यू अब बारी किसकी एम की तो पीछे से उठा रहे हैं, तो क्या करना है प्लस वन करना है तो एन देखिए ऑप्शन में कहां पे दे रखा है एन आपके बी में दे रखा है तो सही आंसर इसका क्या हो बी हो जाएगा काफी अच्छा एग्जाम्पल था और इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके आर में तो ये पैटर्न भी आप देख लीजिएगा ठीक है बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपका वही डायरेक्शन से रिलेटेड है थोड़े नाम उठपटांग से दे रखे हैं और ये फॉरेन कंट्री के नाम से एम्स्टरडम बर्सोलिनो के दक्षिण में तो ये बर्सोलिनो में बी लिख देता हूँ और इसके दक्षिण में एम्स्टरडम है ठीक है म्यूनिक एम्स्टरडम के पश्चिम में तो म्यूनिक जो है वो एम्स्टरडम का पश्चिम है तो एम्स्टरडम का पश्चिम तो क्या होगा ये वाला इसके बाद अगर मैं बात करूँ डेटरेट म्यूनिक के पूर्व में स्थित है म्यूनिक का पूर्व कौन सा होगा ये वाला होगा तो कहाँ पर स्थित है अभी हमको पता नहीं है बट मैं अभी तो इसके लिए क्या लिख देता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ इसके बाद बात करते अपन टोरेंटो डेट्रॉयड के दक्षिण में तो डेट्रॉयड का दक्षिण क्या है ये और टोरेंटो इसके बाद अगर बात करें और बर्सिलिनो के दक्षिण पूर्व में तो और किसके लिए लगा गया है टोरेंटो के ठीक है ये इसके तो दक्षिण में लेकिन इसके क्या है दक्षिण पूर्व में तो ये वाली जो स्थिति है वो दक्षिण पूर्व की हो गई आगे क्या बोल रहा है डेट्रॉइड के सापेक्ष एस्टेडम की स्थिति क्या है तो ये रहा डेट्रॉइड और एस्टेडम की स्थिति क्या है यहाँ पर और ये किस तरफ में जाएगा ये जो दिशा होगी पश्चिम दिशा होगी तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका पश्चिम इसका उत्तर हो जाएगा अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं तो ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स सीरीज का है एक बार आप देख लीजिएगा और बताइएगा क्या पैटर्न लग रहा है इसके अंदर पैटर्न देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है दो दो लेटर रिपीट हो रहे हैं के के एल एल एम एम एन एन ओ ओ तो ओ -क्या के आगे क्या है पी पी तो ये तो पी पी हो जाएगा अब ये बीच वाले जो हैं एम से एन एन से ओ ओ से पी पी से क्यू और क्यू से क्या हो जाएगा प्लस वन आर तो पी पी आर आपके ऑप्शन में दे रखा है डी में दे रखा है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा बढ़ते की तरफ तो ये फ्रेंड्स आपका अगर बात करें तो आर एस में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस तरीके का ही काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी बच्चे इसमें क्या हो गया कन्फ्यूज भी हुए थे तो आज मैं जो इसका पैटर्न बताऊंगा उसके बाद मुझे लगता है आप कभी नहीं अटकेंगे आर एस में जो क्वेश्चन आया था वो तो आपने ऑप्शन से उठा करके कर लिया था लेकिन इसकी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो मैं आज आपको समझाता हूँ एक बार ढंग से देखिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ देखिए फ्रेंड्स मोस्टली क्या होता है इसके अंदर तीन चीजें होती हैं मैं तीन चीजें तीन चीजें मैं क्या मान लेता हूं ए बी और सी तीन गेम हो जाते हैं तीन समाचार पत्र हो जाते हैं तीन भाषाएं हो जाती हैं तीन कुछ भी नाम दे देते हैं ठीक है अब तीन का आपका व्यनारक बनता है ये।, ये तीन का आपका व्यन आरक बन गया ये आपका ए है ये बी है और ये C है क्वेश्चन में आपको दे रख, दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए का मतलब है कोई न्यूज़पेपर है या कोई भाषा है हिंदी भाषा है तो आपको क्या बोलेगा कि इतने लोग हिंदी भाषा जानते हैं तो इसका मतलब ये पूरा सर्किल है जो वो पूरा ही हिंदी का जानता है इसमें केवल वाले आपको कभी भी नहीं देगा आपको केवल वाले ही निकालने होते हैं तो देखिएगा इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा आपका यहां मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक तो आपके पास में ये वाला पूरा पार्ट होता है एक आपके पास ये दोनों का कॉमन होता है ए और बी का ठीक है और एक आपके पास में होता है ये तीनों का है ये कॉमन तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है कि मान लीजिए कोई गेम है तो नहीं खेलने वालों की संख्या नहीं खेलने वालों की संख्या बराबर में आएंगे कुल लोग कुल जितने भी व्यक्ति हैं इसमें से माइनस करेंगे ये वाले सिंगल वाले करेंगे अपन मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी ठीक है और ये थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ क्योंकि अंदर एक और कैलकुलेशन है ठीक है इसको तो मैंने कर दिया ब्रैकेट में बंद अब माइनस में क्या होगा कॉमन वाले जो ए बी में हैं कॉमन वाले के लिए अपन ऐसे लिख देते हैं ए बी इसको यूनियन का साइन बोलते हैं प्लस बी यूनियन सी और प्लस ए यूनियन सी ठीक है और इसमें से क्या माइनस करेंगे अपन इसमें से माइनस करेंगे इन तीनों का कॉमन ए यूनियन बी यूनियन सी तो ये जो होता है ये इसका मेन फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जो भी आपसे पूछा जाए और जो दिया गया है वो वैल्यू तो आप इसमें पुट कीजिए और जो भी पूछा गया है वो आप वैल्यू को एक्स मान के या कुछ भी मान करके निकाल सकते हैं तो देखिएगा आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं क्या पूछा गया था ये तो था इसका बेसिक क्वेश्चन में देखिए आपको कुल दर्शकों की संख्या दे रखी है 500 ठीक है कुल दर्शकों की संख्या कितनी दे रखी है 500 अब उसके बाद में आपको सिंगल सिंगल वाले देखिए कितने दे रखे दो सौ फुटबॉल खेल सकते हैं ठीक है तो मैं बना देता हूं यहां पे दो ये तो फुटबॉल वाले हो गए और ये दो हो गए ठीक है इसके बाद क्या है एक दर्शक हॉकी वाले हो गए ये हॉकी वाले हो गए और एक दर्शक हो गए इसके बाद क्या बोला 115 जो है वो बास्केटबॉल वाले हो गए ये बास्केटबॉल वाले हो गए और ये कितने हैं 115 45 दर्शक 45 जो दर्शक हैं फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल देखते हैं अब देखिए पैंतालीस जो दर्शक हैं वो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल देखते हैं इसमें ये नहीं लिखा गया कि केवल फुटबॉल और बास्केटबॉल देखते हैं मैंने आपको पहले कहा था केवल जब है मतलब ओनली ओनली जब है तब आप मानिए कि सिर्फ ये वाला पार्ट है अभी तो ये जो पूरा पार्ट है ना ये वाला जो है वो पैतालीस का है ठीक है और आगे बोल रहा है सत्तर दशक फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं और फुटबॉल और हॉकी वाले ये सत्तर है। वाले हैं ठीक है फुटबॉल और हॉकी वाले कितने सत्तर और आपके 45 कितने थे फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले तो फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले ये रहे ये कितने आपके 45 बाहर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये साइड में अपने को वैल्यू लिखनी पड़ेगी केवल वाले निकालने पड़ेंगे इसके बाद आपके फुटबॉल और हॉकी वाले भी दे रखा है पचास तो ये फुटबॉल और हॉकी वाले भी पचास हो गए रहा फुटबॉल और ये रहा हॉकी सॉरी हॉकी और बास्केटबॉल वाले ठीक है तीनों में से कोई भी खेल नहीं देखते हैं जो पचास जो कोई है वो तीनों में से कोई भी खेल नहीं देखते हैं तो कोई भी नहीं खेलने वाले पचास आ गए आपके पास में अब इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी एक खेल को तो देखते ही हैं मतलब केवल वाले निकालने आपको और केवल वालों को टोटल करना है कुल आपको दे रखे थे पांच कोई भी नहीं खेलने वाले दे रखे पचास और ये क्या दे रखा है कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी एक खेल को तो देखते ही हैं तो फॉर्मूला देखिए क्या बताया था मैंने आपको कि नहीं खेलने वालों को तो बाहर रखिए कुल कुल, प्लस प्लस ये वाला, ये वाला आंसर नहीं निकलेगा अब देखिएगा फॉर्मूला पुट करेंगे पचास ये दे रखा है पांच आपको टोटल दे रखे इसमें से माइनस मैं करूंगा ये ए प्लस बी प्लस सी का दो सौ पिचासी प्लस आपको दे रखा है एक सौ पिचाव प्लस और ये दे रखा है 115 अब इसमें से कॉमन वाले भी माइनस करने हैं कॉमन वाले क्या क्या दे रखे हैं सत्तर प्लस पैंतालीस प्लस पचास ठीक है इसमें से जो माइनस करेंगे अपन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मेरे क्या मानूंगा एक्स मानूंगा ये आपकी इसकी कैलकुलेशन मिलेगी जब तक आपको ये वाला कॉमन नहीं आएगा तब तक आप इसमें सॉल्व नहीं कर पाओगे तो ये वाला पार्ट देखिए कितना आ रहा है आपका 50 बराबर इसका अगर मैं टोटल करूं आ, ये 500 सौ माइनस तो ये रह ही जाएगा इसका मैं टोटल करूं कितना आ रहा है यहाँ से पाँच दस पंद्रह ठीक है दो और ये हो गया आपके ग्यारह ग्यारह और आठ इक्कीस सॉरी उन्नीस ग्यारह और आठ उन्नीस और ये हो जाएगा आपके पाँच पाँच सौ में आ रहा है। टोटल देख लेते हैं दस और हाँ। में ये सौ है। इसमें से अपन माइनस करेंगे सत्तर पैतालीस और पचास कितना हो गया ये सत्तर और पचास आपका हो गया एक सौ बीस एक सौ बीस और ये एक सौ पैंसठ ठीक है और माइनस में ये एक्स तो ही, इसको बाहर लेकर के आऊँगा मैं कैलकुलेशन के लिए जगह थोड़ा सा कम पड़ दिए पचास बराबर ये कितना हो जाएगा एक इसमें से माइनस करेंगे तो चार आएगा पाँच माइनस चार और माइनस एक्स यहां से ये कट जाएगा सत्तर और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x बराबर आपके आ जाएगा बीस तो ये बीच की वैल्यू है वो आपके आ गई है बीस आ गई है अब देखिएगा यहां से ये जो वैल्यू आएगी इसको माइनस करके कितना आएगा पचास और ये जो वैल्यू आएगी ये कितना हो जाएगा पचास माइनस करने के बाद में पचास और सॉरी ये और यहां से ये बीस की वैल्यू कितनी आएगी तीस और इधर से अगर मैं माइनस करूं तो ये आ जाएगा पच्चीस अब देखिए ये वाला जो पार्ट है आपको इसमें से माइनस करना है पचास बीस सत्तर और पच्चीस कितना हो गया कितना हो गया ये आपके पचानवे पिचानवे में माइनस करूंगा तो ये आएगा आपका एक सौ नब्बे यहां से ये टोटल करेंगे पचास बीस सत्तर सत्तर और तीस कितना हो गया सो सौ माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा पिचानवे ठीक है यहाँ से टोटल करेंगे बीस और पच्चीस कितना पैंतालीस पैंतालीस और तीस पैंतालीस और तीस आपकी ये हो गया पिचहत्तर पिचत्तर इसमें से मैं एक में से माइनस करूँगा तो एक में से पिचत्तर माइनस की कितना हो गया पच्चीस और पंद्रह चालीस ठीक है ये तो थी इसकी कैलकुलेशन अब आप बात करें कि इन सब का टोटल कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा इन सब का अगर मैं टोटल करूँ एक सौ नब्बे पचानवे और चालीस तो ये टोटल कितना आ जाएगा तीन सौ पच्चीस तो सही आंसर इसका क्या है तीन सौ पच्चीस तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये जो है अपना कथन तर्क से रिलेटेड है तो इसकी अगर बात करें तो इसमें बात की गई है डेटा के बारे में और डेटा किस तरीके का जो ऐसा भी आपका मोबाइल पे डेटा होता है लाइक आप अगर फोन पे बात कर रहे हैं या कुछ भी सर्च कर रहे हैं अगर मैं एग्जांपल लूँ शूज वगैरह भी सर्च करते हैं आप कि भाई मेरे को शूज़ लेना है तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे शूज़ के सजेशंस आते हैं तो वो क्यों आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट आपका मॉनिटरिंग कर रही है हर मोबाइल का और हर तरीके का डेटा तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और ये क्या है कि पूछा गया क्वेश्चन है आया हुआ भारत ने सीमा पार डेटा प्रवाह को विनियमित करने भारत के भीतर कंप्यूटिंग सुविधाओं का पता लगाने एक तो सीमा पार डेटा जो प्रवाह हो रहा है उसको एक कंप्यूटिंग सुविधा का पता लगाने और सामुदायिक डेटा साझा करने से संबंधित मुद्दों के लिए नौकरी सर्जन सुनिश्चित करने और सामुदायिक डेटा के साझा करने से संबंधित मुद्दों के लिए समर्पित डाटा प्राधिकरण की स्थापना को प्रस्तावित किया प्रस्तावित किया गया है ठीक है राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति के अपने मसूदे में भारत ने कहा कि देश में उत्पन्न डेटा एक राष्ट्रीय संपत्ति और नागरिकों और सरकार का इस पर एक संप्रभु अधिकार है तो आर्ग्यूमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है नीति ये सुनिश्चित करती है कि संवेदनशील डेटा यहाँ एकत्र और संशोधित किया जाना है ठीक है डेटा तो इकट्ठा कर ही रहे हैं लोग लेकिन विदेशों में संग्रहित डेटा को विदेशी सरकारों और भारत के बाहर अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के साथ साझा करने से नहीं रोकता है तो ये एकदम बात सही है कि क्यों, क्योंकि क्या है कि संग्रहण तो कर रहा है लेकिन रोक नहीं रहा है जितने भी हैं मोस्टली बाहर की कंपनी भारत से तो वो डेटा क्या हमारे बाहर की कंपनी भी यूज़ ले ही रही है तो ये एकदम सही बात होगी नीति के अनुसार सीमा पर डेटा प्रवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाने से भारत स्वयं देश में उच्च मूल्यों के डिजिटल उत्पादों के निर्माण के लिए दरवाजे बंद कर रहा हो होगा नया ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसा कुछ ऊपर बात कही नहीं गई कंपनियों को यहाँ डेटा भंडारण की स्थापना के लिए तीन साल की अवधि का सुझाव देखिए टाइम की कोई बात नहीं की गई है तो इसलिए भी इसको क्रॉस किया जाएगा जो तर्क होते हैं वो आपके कथन से रिलेटेड होने चाहिए तो टाइम की तो बात ही नहीं हुई ऊपर तो क्या हो जाएगा केवल फर्स्ट मजबूत है इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपके स्लोजम से रिलेटेड है और क्या दे रखा है सभी किताबें बॉक्स है सभी किताबें बॉक्स हैं। सभी बॉक्स पेन है सभी बॉक्स जो है वो पेन है सभी पेन क्या है पेपर है सभी पेन क्या है पेपर है तो ये तो इसका क्या है वेन डायग्राम बनेगा पूछ क्या आपसे निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं निष्कर्ष में बोला है कुछ पेपर किताब है तो कुछ पेपर किताब ये वाला सही जाएगा एकदम आपके सभी किताबें पेपर हैं तो सभी किताबें भी पेपर हैं कुछ पेन किताबें हैं कुछ पेन किताबें हैं ये रहा पेन और ये रहा आपका किताब है ठीक है ये भी सही बैठेगा और सभी बॉक्स क्या हैं किताबें तो सभी बॉक्स किताबें नहीं हैं ये वाला आपके गलत बैठ जाएगा ठीक है तो ऑप्शन में दे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सी में दे रखा है ओनली कॉन्क्लूजन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉलो करते तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले को की तरफ। अगला एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपको देखिएगा इसमें क्या दे रखा है एक बार आप पढ़ लीजिए तो अगला एग्जाम्पल जो है वो भी डायरेक्शन का है जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरे बाई तरफ बन गई देखिए ऋषि सर ने अगर आपको ये टॉपिक पढ़ा है डायरेक्शन टेस्ट का तो ये ज़रूर बताया होगा कि सुबह सुबह जो परछाई जो है वो सूरज जो है वो आपका पूर्व से उदय होता है ये पूर्व दिशा आपकी ठीक है सुबह सुबह का टाइम है और परछाई बाईं तरफ गिर रही है मतलब कि पश्चिम की तरफ गिर रही है अब ये क्या बोला है जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफ़िस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरी बाई तरफ मतलब कि अगर मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूँ तो मेरे बाई तरफ इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ तो मेरे बाईं तरफ मतलब यहाँ गिर रही है परछाई ये परछाई है तो यही एक घर तो की, तो की दिशा पूछी गई तो ऑफिस तो यहां पर है तो ऑफिस से अगर मैं देखूँ तो घर किस दिशा में इस वाली दिशा में और ये वाली दिशा कौन सी आपकी दक्षिण दिशा साउथ इसका सही आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर जो है वो साउथ हो जाएगा बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल बहुत ईजी है मिरर इमेज का है इसमें आपसे जल की छवि पूछ, पूछिए मतलब कि यहाँ से आपको पलटा देना है और पलटा देने पे ये वाला जो शेप है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ से ये काला काला हो जाएगा ठीक है तो ऐसा ऑप्शन में सिर्फ बी में दे रखा है तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगला एग्जांपल की तरफ अगला एग्जांपल फ्रेंड्स देखिएगा ये आपका डायरेक्शन टेस्ट का ही है और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है क्या बोला है जेड का घर पी के घर से 45 मीटर दक्षिण में जेड का घर जो है वो पी के दक्षिण में 45 मीटर अब पी का दक्षिण लेना अपने को पी के घर से ये ले लेते हैं पी यहाँ पे ले लेते हैं और जेड का घर इसके दक्षिण में ये जेड का घर रहा पैतालीस मीटर जे का घर एच के घर से पचास मीटर दक्षिण में अब जे कहीं पर है वो इसको मैं यहां लिख देता हूँ क्योंकि अभी हमारा चीजें क्लियर है नहीं एच के दक्षिण में है और कितना है पचास मीटर क्यू का घर जेड के घर से तीस मीटर पश्चिम में है क्यू का घर जेड के पश्चिम में तो जेड का पश्चिम क्या है ये और ये क्यू और ये रहा तीस मीटर उसके बाद क्या बोल रहा है एम का घर पी के घर से पचास मीटर उत्तर की ओर है एम का घर पी के घर से पचास मीटर उत्तर पे यहाँ एम आ गया उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि एच का घर एम के घर से तीस मीटर पश्चिम में। ये एच का घर रहा तीस मीटर और वहां हमने एक लाइन लिखी थी पचास मीटर जे पे अब देखिए ये भी पचास है ये भी पचास है तो मतलब जे क्या हो गया एकदम इक्वल आएगा यहाँ पे क्योंकि दोनों के डिस्टेंस ही है अब आगे क्या बोल रहा है एच का घर ये मैंने ले ली लाइन क्यू के घर के संदर्भ में जे का घर किस दिशा में और कितनी दूरी पर है तो ये तो रहा क्यू क्यू के संदर्भ में बताना है जिसके संदर्भ में बताना है उसी की दिशा लेते हैं तो क्यू के संदर्भ में जे किस दिशा में है तो ये आपने तो बता दिया उत्तर में लेकिन सर डिस्टेंस क्या आएगा तो डिस्टेंस देखिएगा डिस्टेंस इक्वल दे रखा है पैंतालीस मीटर तो ये पैंतालीस मीटर यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा क्या ऑप्शन में दे रखा है रखेगा उत्तर और पैंतालीस मीटर दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो देखिएगा सी में दे रखिए बिल्कुल सही बात है सही आंसर ये हो जाएगा बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल फ्रेंड्स सिलोजम का है इसमें आप देखिएगा स्टेटमेंट दे रखा है लेकिन जो निष्कर्ष है वो ऑप्शन में दे रखे हैं तो सभी फाइलें संख्यात्मक है बात करें फाइल्स जो हैं वो क्या है नंबर है और क्या बोला सभी नंबर जो हैं वो कोड है तो ये जो नंबर हो गए ये आपका ये कोड हो गया तो ये इसका वैन डायग्राम बनेगा निष्कर्ष देखिएगा क्या निकल रहे हैं क्या सभी फाइलें कोड हैं सभी फाइलें कोड है हाँ ये वाला एकदम सही आंसर है आगे के ऑप्शन भी चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए वैसे ए इसका आंसर आ चुका है क्या सभी कोड फाइलें हैं सभी कोड फाइल नहीं है ये वाला पार्ट जो है वो फाइल नहीं हो सकते तो ये क्रॉस हो जाएगा कुछ फाइलें संख्यात्मक नहीं है कुछ फाइलें हमेशा संख्यात्मक होंगी जो नंबर हैं कुछ फाइलें वो हमेशा रहेंगी रहेंगी ये वाला जो है वो नंबर रहेंगी रहेंगी उसके बाद बोला है कोई संख्या कोड नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जब सारे ही एक साथ हैं तो नेगेटिव वाला तो कभी बन ही नहीं सकता बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल फ्रेंड्स फिर से डायरेक्शन का दे रखा है आपको क्या बोल रहा है एक लड़का पंद्रह मीटर उत्तर की ओर चलता है ये लड़का रहा इसको पंद्रह मीटर में उत्तर की तरफ चला देता हूँ आगे क्या बोला है दाएं मुड़ता है अब देखिए जब फेस उत्तर की तरफ हो मतलब कि यहीं पर ही फेस है तो दाया किस तरफ होगा यहाँ और कितना चलाना है बीस मीटर फिर से दाएं मुड़ता है और पंद्रह मीटर अब जब अगर फेस यहां पर है तो दाया और बाया कहां पर होगा ये तो दाया और ये बाया फेस अगर इस तरफ है तो दाया तो नीचे और बाया ऊपर की तरफ तो क्या बोला था फिर से दाएं मुड़ता है और पंद्रह मीटर चलता है तो यहां से मैं पंद्रह मीटर चला देता हूँ बराबर ले लेते हैं क्योंकि ये भी पंद्रह ही है अंत में वह अपने बाई और मुड़ता है और बीस मीटर चलता है ठीक है अंत में वह बाई और मुड़ता है अब देखिए मुंह इस तरफ है तो फेस इस तरफ होगा तो अपोजिट हो जाएंगे जो आपका दाया है वो बाया हो जाएगा और जो बाया है वो दाया हो जाएगा तो अभी क्या हो जाएगा ये बाई और मुड़ता है तो मतलब इस तरफ मुड़ेगा जो बाया है वो आपके दाई तरफ हो जाएगा ठीक है और कितना मीटर चल रहा है ये ये बीस मीटर चल रहा है अब आपसे ये पूछ रहा है कि वे अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है ये रहा आपका मूल स्थान ठीक है बीस इसका ये डिस्टेंस हो गया और बीस ये यहां पे बगा है क्योंकि पंद्रह पंद्रह ये दोनों तो इक्वली है 20 और 20 कितना हो गया 40 सही आंसर क्या हो जाएगा सी देखिए कितना आसान क्वेश्चन था जैसा जैसा आपको दे रखा है वैसे वैसे इसको रन कर दीजिए बस बाएं दाएं का हमेशा ध्यान रखिएगा गलती से अगर यम उड़ा दिया तो अगर आप सीधा ही वहीं पहुंच जाओगे ठीक है ना तो बाएं दाएं का ध्यान रखेंगे आंसर एकदम सही आ जाएगा और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्रिया नाम की लड़की है काफी फेमस नाम है ये प्रिया तो देखिए क्या बोलता है कथन प्रिया ने गलती से अपने भाई का लैपटॉप तोड़ दिया है और डाटे जाने से भयभीत है भाई 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 का लैपटॉप तोड़ा है तो डांट तो पड़ ही सकती है अब इसमें क्या है कि आपसे कार्यवाही पूछी गई भाई अब प्रिया को करना क्या चाहिए तो पहला दे रखा है आपको उसे टूटे हुए लैपटॉप को चुपचाप खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए ताकि कि किसी को पता ना चले कि उसे किसने तोड़ा है अधिकतर लड़कियाँ क्या करती हैं यही करती हैं लेकिन आपको लड़कियों के बिहेवियर जो आज का बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है आपको आंसर देना है कि एक सही कार्यवाही क्या होनी चाहिए एक सच्चा इंसान एक आदर्श इंसान जो कि होता है वो उसे क्या करना चाहिए तो ये तो वो बिल्कुल ही नहीं करेगा ठीक है भले से वो लड़की हो या लड़का हो ये वाला तो कभी कर नहीं करेगा सेकंड देखिए क्या बोला उसे घर छोड़ करके भाग जाना चाहिए क्योंकि उसका भाई उसे बुरी तरह डांटेगा तो नहीं ये भी नहीं होगा घर छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है वापस तो घर पर ही आना है ना कब तक भागेंगे तो दे रखा रखेगा ना इधर फर्स्ट ठीक है ना तो फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं डी इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है ऐसी कोई प्रिया हो उसे भी ये बता देना क्वेश्चन एक बार बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपका डायरेक्शन से दे रखा है और क्या दे रखा है आंटी जो है गैलोरी अपने घर से निकलती है आंटी गैलोरी नाम है इसका अपने घर से निकलती है और पूर्व की ओर पैंसठ मीटर चलती है तो पूर्व दिशा ये होती है डायरेक्शन में अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं ये उत्तर दक्षिण पूर्व और ये पश्चिम ठीक है और सब डायरेक्शन ये होते हैं उत्तर पूर्व ये दक्षिण पूर्व और ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम और ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम तो मेन मेन जो है ये डायरेक्शंस होते हैं अगर कंफ्यूज होते हो क्वेश्चन करने में तो इसको बना लिया करो ताकि टर्न करने में और दिशाएं जानने में दिक्कत ना हो ठीक है क्या बोला था इसने पूर्व की ओर पैंसठ मीटर चलती है तो ये पूर्व है और ये पैंसठ मीटर चली आगे क्या बोले वे बाएं मुड़ती है और अट्ठाईस मीटर चलती है बाएं मुड़ती है तो इस तरफ मुख है तो दाया तो ये हो जाएगा और बाया ये हो जाएगा बाएं मुड़ गई और कितना मीटर चलिए अट्ठाईस मीटर चलिए उसके बाद वो क्या बोले वे फिर से बाएं मुड़ती है और एक सार्वजनिक पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 110 मीटर चलती है अब यहाँ मुख्य है तो कितना चल एक सौ दस देखिए पैसठ तो ये हो ही गया और एक सौ दस थोड़ा सा इससे आगे ले लीजिएगा ठीक है ये पूरा एक सौ दस मीटर है आंटी गैलरी के घर से पुस्तकालय कितनी दूर और किस दिशा में है अब ये जो है ये डिस्टेंस तो हो गया आपका अट्ठाईस ये अगर माइनस करूँ पैंसठ में से एक कितना आ जाता है आपके पचपन ठीक है इसको माइनस किया तो मैंने कितना आ गया पचपन और आपसे पूछा गया ये वाला डायरेक्शन तो देखिएगा इसमें क्या लगेगा आपके इसमें आपके लगेगी पैथोगोरस प्रमेय, क्योंकि ये तो दे है आपको अट्ठाइस और ये दे रखी आपको पचपन सॉरी पचपन ही आएगा ये तो इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला पचपन का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा कण मैंने अंडर रूट में ले लिया अब देखिए कई बच्चे बेचारे डरते सर पचपन का वर्क करने में मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा चलो इसके पीछे तो पाँच है मैं कैसे भी करके कर, कर लूँगा बट मैं सर अट्ठाईस का वर्क करने में मेरे को फिर दिक्कत होगी फिर मैं इनको जोड़ूंगा भी ठीक है फिर इनका वर्क मूड निकालूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ शायद ही आपने कभी देखी हो और देखी हो तो बहुत अच्छी बात है क्या है शॉर्ट ट्रिक देखिए यूनिट डिजिट से खेलिए यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई का अंक इकाई का अंक क्या दिख रहा है मेरे को पाँच पाँच का स्क्वायर करूँ मैं कितना होता है पच्चीस मतलब लास्ट में फिर से पाँच आ आए आएगा तो ये पाँच मैंने यहाँ ले लिया आठ का स्क्वायर में वर्क करूँ तो आठ का स्क्वायर कितना होता है चौंसठ चौंसठ में चार में यहाँ रख देता हूँ ठीक है पांच और चार ये तुक्का नहीं है यूनिट डिजिट आप देखिएगा मेथड भी है यूनिट डिजिट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है पांच और चार में करूंगा नौ और नौ का अगर मैं निकालूं तो कितना आता है तीन अब ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें आपको तीन दे रखा हो अब तीन तो सर बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे भी त्रेपन है यहाँ पर भी त्रेपन है मैं कौन से आंसर को टिक करूँ तो बेटा दिशा दे रखी है ये, और ये दिशा मैंने अभी ऊपर बताई थी ये वाली दिशा कौन सी है उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम किस में दे रखा है बी में दे रखा है आपके तो बताओ कैलकुलेशन से बचत हुई कि नहीं टाइम की बचत हुई कि नहीं क्वेश्चन में कोई गलत नहीं आ ऑप्शन में अगर गलती से सारे ही तीन तीन दे दिए ना तब वो आपकी बदकिस्मती है फिर तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ ये कैलकुलेशन इसलिए है वैसे इस तरीके के ऑप्शन नहीं आते कि सबके पीछे तीन तीन लगा दें क्योंकि दिशा भी दे रखी है दिशाएँ अलग अलग रहेंगी ठीक है और ऑप्शन हमेशा ऐसे ही दिए रहते हैं तो इस झंझट से बचिएगा क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपका टाइम बचाने के लिए कहीं ना कहीं से ट्रिक देता है लेकिन उस टाइम पे दिमाग हमारा क्लिक नहीं करता है ये आज मैंने आपको बताया ये मेथड आप याद रखिएगा और ये मेथड से कई बार यूनिट डिजिट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं गुणा हो जाते हैं भाग भी दे सकते हैं अपन हर चीजें होती हैं अगर टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको हर चीज बताऊंगा इसमें ठीक है बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल फ्रेंड सीरीज का है और सीरीज में देखिए आपको अल्फाबेट भी दे रखें और आपको नंबर भी दे रखें तो अगर मैं बात करूँ आर का अभी का पेपर प्री का जो हुआ था आपका दो में अक्टूबर में तो उसमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें आपको अल्फ़ाबेट्स भी दे रखे थे और नंबर्स भी दे रखे थे नंबर्स की कैलकुलेशन कुछ अलग जा रही थी अल्फाबेट्स की कैलकुलेशन कुछ अलग जा रही थी अब बात करते हैं कि सर इसमें क्या मेथड लगा है तो मेथड की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा इसमें कुछ मेथड जो है वो कॉन्सटेंट और वोवेल्स का है मतलब कि व्यंजन और स्वर का है इंग्लिश में स्वर कितने पाँच ये ए ई आई ओ यू तो क्या है इसमें मेथड लगाएं कि अगर मैं बात करूं कॉन्सटेंट की तो ये देखिएगा कि कितना है जे दस पे है और एल कितने पे आ गया आपके बारह पे ठीक है ए की मैं बात करूं तो ए से सीधा आ गया ई e पे एम से अगर मैं बात करूं ठीक है एम की अगर मैं बात करूं तो ये तेरह पे और ये कितने पे ग्यारह पे तो, तो गणित आपको समझ में आ रही है इसके बाद अगर अपन बात करें एल से एन पे यहां से क्या हो गया आ, दस से बारह हुआ प्लस दो और ये तेरह से ग्यारह हुआ माइनस दो ठीक है और ये ए से ई e गया है मतलब कि प्लस चार अब बात करें एल से एन पे प्लस दो ई e से आई पे बात करें ई e कितने पे 5 पे और स्वर का जो है इसमें पैटर्न थोड़ा देखे तो थो, ये लगा है ए से ई पे गया ई से आई पे गया आई से ओ पे गया ओ से यू पे गया यू से फिर ए पे जाएगा और ए से फिर से किस पे जाएगा ई पे जाएगा क्योंकि स्वर की सीरीज ये लगी है ए ई आई ओ और यू तो ये तो स्वर की सीरीज थी व्यंजन की बात करें यहां से प्लस दो ये प्लस दो ये भी प्लस दो और ये भी प्लस दो और ये भी प्लस दो और टी से अगर मैं प्लस दो करूँ तो कितना आ जाएगा वी यहाँ से बात करें माइनस दो एम से के पे ये माइनस दो ये भी माइनस दो और ये भी माइनस दो और ये भी माइनस दो अब सी से माइनस दो करेंगे तो कितना आ जाएगा ए आ जाएगा तो जो वी ई और ए ये तो आपका फिक्स हो गया ये तो आएगा ये आएगा तो सर ये तो दो दो में दे रखा है बी में भी दे रखा है डी में भी दे रखा है ठीक है लेकिन एक में 28 दे रखा है एक में 30 दे रखा है तो ये 28 और 30 में से कौन सा सही होगा वो देखते हैं अपन जे की बात करें बेटा तो जे 10 में ए एक पे और एम 13 पे इन तीनों का टोटल करूं तो मैं कितना आता है 24 एल की बात करें तो एल कितने पे 12 पे ई कितने पे 5 पे, पे के कितने पे 11 पे इनका टोटल करें 17 17 और 11 28 मतलब कि क्या करना है जितने भी अल्फाबेट हैं उनके नंबर रखिए और उनको जोड़ दीजिए वी कितने पे पे ई e कितने पे पांच पे और ये कितने पे ए कितने पे 1 पे 6 हो 6 हो हो गए और कितना गया ऑप्शन में दे रखा है है वाला इसका जो है, सही आंसर जाएगा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था व्यंजन में तो अपन ने प्लस दो और यहाँ से माइनस दो किया स्वर में क्या किया स्वर की सीरीज अपन ने अलग बिठाई बिठाइए ए ई आईओ यू e, और वो अगर यू तक जैसे ही पहुंचता है फिर वापस रिपीट कर दिए ए यू ठीक है बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल फ्रेंड्स उन्नीस नंबर का दे रखा है एक्स अपने घर से पूर्व की ओर दो सौ कदम दौड़ता है दौड़ा दीजिए इसको ये दो सौ कदम दौड़ गया पूर्व की तरफ दौड़ा है उसके बाद क्या बोला है फिर एक तक पहुंचने के लिए अपनी और मुड़कर तीस कदम दौड़ता है अब मुंह किस तरफ है तो दाया किस तरफ होगा और कितना दौड़ा है मात्र तीस कदम फिर वह अपनी दाई और तीस कदम दौड़ता है और एक बिंदु अब मुंह किस तरफ है तो दाया किस तरफ होगा यही होगा और एक बिंदु W तक पहुंचता है ये रहा इसका बिंदु W। वहां से वे फिर से अपनी दाई और मुड़ता है और तीस कदम चलता है अब मुख इस तरफ है तो दाया किस तरफ इस तरफ तीस मीटर चल गया वहां से अपने दाई और मुड़कर वे वह एक सौ तीस कदम बड़ा दाया दाया घूम रहा है इस तरफ मुख है एक सौ तीस कदम चल रहा है तो तीस तो ये ले, ले लेते हैं और सौ ये ले, ले लेते हैं ठीक है टोटल 130 ले लेते हैं 30 मैंने ये क्यों लिया क्योंकि ये और ये डिस्टेंस समान है और फिर वे अपनी बाईं ओर मुड़ता है और एक बेकरी तक पहुंचने के लिए 10 कदम चलता है यहाँ मुके तो बाईं तरफ कितना हुआ दस ये अब आपसे पूछ क्या रहा है एक्स के घर के सापेक्ष बेकरी किस दिशा में है किस दिशा में ये रहा दिशा देख लो ये दिशा कौन सी है बताया था अभी-अभी तो ये दिशा आपकी कौन सी आ गई दिशा ही पूछी थी पहले बता देता तो मैं मेजरमेंट नहीं लेता दिशा में आपको मेजरमेंट काम नहीं करता है मेजरमेंट आपके तब काम करता है जब आपसे डिस्टेंस भी पूछा जाए मतलब कि दूरी भी पूछी जाए यहाँ से क्या आप 19 20 भी अगर मैं 10 मीटर यूं भी कर लूँ तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिशा तो इससे ऊपर ही जाएगी अब इससे ऊपर ये वाली दिशा कौन सी है ये वाली दिशा आपकी आती है उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व ऑप्शन में दे रखा है क्या दे रखा है सर बी में दे रखा है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल फ्रेंड्स मिरर का दे रखा है और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये क्योंकि इसमें जो है बहुत बारीकी दी रखी है इतना बारीकी देता नहीं है लाइनों को ले कर के और ऑप्शंस भी जो है एकदम करीब करीब सेम से दे रखे हैं क्योंकि जो पहचान होती है वो इन ब्लैक से होती है ये ब्लैक यहाँ से शुरू हो जाएगा और इसका ये जो ब्लैक है यहाँ पर आएगा पीछे की तरफ और देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन में ऐसा ब्लैक, ब्लैक 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 दे रखा है आपको पहचान करनी है लाइनों से लाइन ये अगर यूँ है तो पलट करके आएगी मतलब कि यूँ हो करके और इस तरफ से जाएगी इस तरफ से आपके ए में दे रखिए और बी में भी दे रखिए सी में नहीं दे रखिए सी आपका क्रॉस हो जाएगा और डी में भी दे रखिए नीचे की लाइनों की बात करें ये जो लाइन है बॉक्स बनेगा जो ये ठीक है ये जो बॉक्स बनेगा इसमें ये वाला तो इधर पलट जाएगा मतलब कि इस तरफ हो जाएगा और ये जो लाइनें हैं ये एक तो यूँ ट्राइंगल जैसी बनेगी ऐसा और एक बीच में से जाएगी तो इसकी अगर मैं बात करूँ ये एज इट इजी दे रखा है तो ये क्रॉस हो जाएगा ये अगर बात करूं इसने यहाँ तो मिला रखा है अब बी और डी में देखिए कितना सा अंतर है ये लाइन देखिए यहाँ से यूं दे रखी है। ये लाइन भी यहाँ से यूं दे रखी है। लेकिन अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ये कॉर्नर से दे रखिए और ये बीच में से दे रखिए कॉर्नर से नहीं दिए और अगर इधर की बात करें तो ये बीच में से ना कि कॉर्नर से तो इसका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन जो थे बहुत इसके बारीकी से दे रखे थे तो थोड़ा सा ध्यान लगा करके आंसर देना पड़ता था इसमें तो क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा ये टफ था बढ़ते अगले एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपके डायरेक्शन से रिलेटेड है और ये ग्रिड मेथड पे है ग्रिड पैटर्न मतलब कि आपको सिर्फ इनको अरेंज करना है और फिर डायरेक्शन बताना है सापेक्ष ठीक है पी से क्यू तक की मैं बात करूँ पी क्यू के उत्तर में पी जो है वो क्यू के उत्तर में टी क्यू के पूर्व में टी जो है वो की के इसके क्यू के पूर्व में और एस पी के पूर्व में है, है एस जो है वो पी के पूर्व में है एस टी के उत्तर पूर्व में है तो इसको मैं थोड़ा सा क्या आगे ले लूँगा क्योंकि ग्रीन मेथड पे है ये ग्रीन मेथड मतलब एक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम से डायरेक्शन में ये उत्तर पूर्व आ गया इसका ठीक है और आर के दक्षिण पश्चिम में जो एस जो है वो आर के दक्षिण पश्चिम में है तो दक्षिण पश्चिम में लाने के लिए मुझे थोड़ा क्वेश्चन को क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम अगर मैं लिखूँगा तो ये आएगा क्योंकि आर का दक्षिण पश्चिम ये होगा ठीक है समझ में आ रही बात आर का जो दक्षिण पश्चिम होगा वो यहाँ होगा और एक ही सीध में रखना क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ ये ग्रिड पैटर्न पे है सीध में ही रखने आपको सारे जिससे सही आंसर पे बोल सको क्यू के, के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है क्यू के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है क्यू के जो ये सापेक्ष ही, ये आर की स्थिति क्या जा रही है ये जा रही है आपके उत्तर पूर्व और सही आंसर क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको कथन और आर्गुमेंट का देगा कथन क्या देगा क्या, क्या सरकार को डकैती के मामलों में मृत्युदंड देना चाहिए देखिए जब भी गवर्नमेंट के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नियम कायदे के तो कुछ नियम गवर्नमेंट ने अभी तक आगे लेकर के नहीं आई हैं जैसे बात करूँ मैं फर्स्ट की हाँ इससे देश में डकैती के मामले में कमी आएगी भाई डकैती के लिए मृत्युदंड देना काफ़ी भारी हो जाएगा काम और इस तरीके की डिसीजन हम ले नहीं सकते कि हर किसी को ही थोड़ी सी चोरी किया नहीं उसको लगा दो फांसी कई देशों में इस तरीके की सजाएं अगर हम गल्फ कंट्री की बात करें जो अरब की कंट्री हैं उनमें इस तरीके की सजाएं हैं लेकिन हमारे देश में नहीं है ठीक है तो ये वाला तो क्या क्रॉस हो जाएगा कि हाँ हम इस पर एग्री तो कर ही नहीं सकते दूसरा क्या बोला है हाँ देश में किसी भी तरह के अपराध को रोकने के लिए मृत्युदंड ही एकमात्र रास्ता है तो जहाँ पे एकमात्र आ जाए एकमात्र रास्ता तो ये बिल्कुल ही गलत माना जाता है ठीक है इस तरीके के तर्क जो है वो बिल्कुल ही गलत माने जाते हैं तो इसमें क्या होगा दोनों ही गलत हो जाएंगे और ऑप्शन में दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं क्या बोला है क्या सरकार को देश में तंबाकू उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तो बात करते इसमें तंबाकू के ऊपर हाँ इससे लोगों की धूम्रपान की आदत कम हो जाएगी ये तो एकदम सही बात है जैसे कई जगह शराब पे भी बैन लगा हुआ है और कई जगह तंबाकू पे भी लगा हुआ है तो क्या लगा सकते हैं कि हाँ इससे लोगों के धूम्रपान की आदत कम हो जाएगी नहीं इससे देश में बेरोजगारी दर बढ़ेगी तो क्या पूरा देश इसी पे ही रोजगार पे डिपेंडेबल है नहीं ये वाला तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा बिल्कुल गलत तो ओनली फर्स्ट सही है तो इसका आंसर बी हो जाएगा बढ़ते एक अगले एग्जाम्पल की तरफ तो इस बार जो सीरीज के क्वेश्चन जो सर ने डाले हैं वो क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे देखिएगा इसमें लेटर भी हैं और नंबर्स भी हैं क्योंकि पिछली बार अगर मैं बात करूं मैंने आपको पहले ही बता था आर एस में क्या इस तरह की सीरीज ही आई थी तो बात करते हैं ए बी आपको टू दे रखा है डी ई ट्वेंटी जे के फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है जे के एक सौ दस और एम एन एक सौ बयासी तो ए से बी ए से डी तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस तीन और बी से ई e तक जाएंगे तो भी प्लस तीन अगर अभी तो मेरे पास यह है नहीं

ए कितने पे आपका एक पे बी कितने पे दो, दोनों को गुणा कर दो, आ गया, दो. पे चार पे e कितने पे, पे दोनों का गुणा कर दो छप्पन इसका सही आंसर हो जाए ठीक है ये इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल था बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन ये डायरेक्शन का दे रखा है आठ विद्यार्थी ई एफ जी e, और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों और इस क्रम से दक्षिणा एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं तो ऐसे तो लगने को तो सिटिंग अरेंजमेंट का लग रहा है पर ऐसा है नहीं देखिएगा ये गोल मेज है और आठ जने है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ लोग हैं और इसी तरीके से बैठे दक्षिणा मतलब क्लॉकवाइज बैठे और क्लॉक में अगर मैं बात करूँ बी उत्तर पूर्व दिशा में बैठा तो है तो उत्तर पूर्व दिशा कौन सी आठ ही दिशाएं होती हैं उत्तर पूर्व आपकी ये दिशा है अब सारे पूछा किस गया? किस दिशा में बैठा होगा तो एच की दिशा कौन सी है उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम सी पे दे रखा है आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा उत्तर पश्चिम बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ अगला एग्जांपल फ्रेंड्स आपका दे रखा है कथन और <coughs> निष्कर्ष से दे रखा है ठीक है और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कंपनी ए कुछ वर्षों के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया को बाहरी स्त्रोत को देती थी लेकिन इस वर्ष कंपनी में संगठन के भीतर भर्ती प्रक्रिया का संचालन करने का निर्णय लिया है देखिए जो इंटरव्यू वगैरह कंपनी में जो भी हायरिंग होती थी वो आप बाहर को कॉन्टेक्ट दिया जाता था कि आप हमारे लिए सेलेक्ट करो लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया अभी इन्होंने कर दिया कि इस वर्ष कंपनी ने क्या संगठन के भीतर जो संगठन में जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं में से ऊंची पोस्ट पर इन्होंने बिठा दिया ठीक है तो अब उसके रिलेटेड देखिए कथन क्या दे रखे हैं सॉरी निष्कर्ष क्या दे रखे हैं संगठन के कार्य करने वाले कर्मचारियों को पता है कि कंपनी में कार्य करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जाहिर सी बात है जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं अगर आप उसको ऊँची पोस्ट देते हैं तो उसको पता है कंपनी में कैसे कैसे क्या, क्या क्या काम होते हैं और काफी टाइम काम करने के बाद वो कंपनी का क्या एक सदस्य हो जाता है कर्मचारी तो ये पहला तो क्या हो गया इसमें स्ट्रांग हो गया अब दूसरा क्या बोल रहा है कंपनी ने आसान भर्ती प्रक्रिया के लिए अपने वरिष्ठ स्तर के प्राधिकरण में तीन नए व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है तो ये जो कथन है इसमें क्या है कि ऑप्शन आपको देखिए कैसे देगा फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रबल है मतलब कि प्रबल मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है और फर्स्ट प्रबल है जबकि सेकेंड कमजोर है और थर्ड में दे रखा है आपको सेकेंड प्रबल है जबकि फर्स्ट निष्पक्ष है

ये किसी भी कर्मचारी का पक्ष नहीं लेती और ये किसी भी चीज का पक्ष नहीं ले रही ना कंपनी का ना कर्मचारी का ये सजेशन रखा है तो इसलिए इसको निष्पक्ष कहा गया इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स आते ही आते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है अभी आपको बोरिंग लग रहे होंगे ये क्वेश्चन कि यार ये क्या ही चल रहा है इसके अंदर लेकिन अगर आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से आएगा और पांच से चार क्वेश्चन आपके एल के आते ही आते हैं तो इसे बोरिंग समझने की गलती मत कीजिए ध्यान से पड़ेगा इनको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आपके प्रतिबिंब रख दिया गया मतलब जल प्रतिबिंब सर्किल जो है वो नीचे की तरफ आएगा तो डी आपके क्रॉस हो जाएगा ट्रायंगल जो दे रखा है त्रिभुज ये उल्टा हो जाएगा इसमें ए में उल्टा दे रखा है बी में सीधा ही दे रखा है सी में भी सीधा दे रखा है तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज जो है वो उल्टा पड़ेगा ठीक है ए इसका सही आंसर है नीचे दी गई आकृति में आए तो कि कुल संख्या कितनी है बहुत ही आ, आसान एग्जाम्पल है डायग्राम तो आपके बड़ा सड़ा के दे रखा है लेकिन मैं बताऊँ इसमें कितने हैं ये तो एक हो जाएगा ये दो हो जाएगा और अगर मैं इसको पूरे को मिला दूँ तो ये तीन हो जाएगा और इसका सही आंसर तीन है और कहीं से भी आयत नहीं बन रहा है ठीक है बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल फिर मिरर से दे रखा आपको और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू कर दीजिए ख़त्म कहाँ पे हो रहा है चार पे और चार का मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा तो आपका बी तो है जो कैंसिल हो गया इसके बाद दो दे रखा है ठीक है अब जो है आपको क्रॉस कैसे करना है क्योंकि ऑलमोस्ट सब चार से स्टार्ट है बी और डी जो है वो चार में देखिएगा सीधी इमेज दे रखी है तो सीधी तो आपने को लेनी ही नहीं है ए और सी में से डिफरेंस क्या है ये डिफरेंस है समझ में आ गई बात क्या डिफरेंस है जो आपके ए में दे रखा है वो पांच एकदम सीधा का सीधा दे रखा है एज इट इज लेकिन सी में बात करूं तो उल्टा दे रखा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा जल्दबाजी में लोग बाग चार तक देखते हैं और फिर तुरंत आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं इतना जल्दबाजी मत कीजिएगा एग्जाम पेपर में गलत गलती हो जाएगी आराम से कीजिएगा इसको सी आंसर इसका सही बैठेगा बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ क्या बोला है ऊपर सीरीज दे रखी है यदि उपयुक्त तो श्रृंखला के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से अठारहवें पद के दाएं से पंद्रवा पद क्या होगा तो एक तो होता है लंबा मेथड जैसा जैसा ये बोल रहा है नचा रहा है वैसे वैसे, वैसे आप नाचते जाइएगा और एक होता है शॉर्ट मेथड शॉर्ट मेथड देखिएगा कैसे होता है जब भी दो बार दाया जाए तो आपको क्या करना है दाया माइनस दाया और ये तो मैं लिख रहा हूँ आपको इसलिए टाइम लग रहा है वरना एक बार याद कर लीजिए आराम से हो जाएगा अट्ठारह माइनस कितना आ गया आपके तीन तीन बार आप दाएं चलेंगे एक दो तीन इसका सही आंसर हो जाएगा अब आप बात करेंगे सर आधे पार्ट को तो आपने चेंज ही नहीं किया तो क्या बोला है? पहले आधे भाग को अब पहले आधे भाग में क्या कर रहे हैं मेरे को क्या लेन देन क्योंकि मेरे को गिनना तो पीछे से दाएं से गिनना है तो बस आंसर आ गया अभी आप इसको आधा गिनोगे फिर इसका आधा करोगे इसको पलटाओगे और गिनना आपको पीछे से ही है तो टाइम लग जाएगा ना गलती हो जाएगी गलती भी होने के चांसेस हैं आराम से क्यों आंसर आ रहा है बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल फ्रेंड्स वही मिरर का दे रखा है इसमें अगर मैं बात करूं अब तो बार बार समझाने की जरूरत है नहीं सात से स्टार्ट करना है आपको सात पे ख़त्म है साथ तो साला सभी में ये दे रखा है है ना तो अब इसमें आपको रिजेक्ट करना है रिजेक्ट अगर करें तो यहाँ से आर रिजेक्ट हो गया उल्टा पड़ रहा है और यहाँ देखूँ तो सारे एक जैसे ही हैं तो ये इसका सही है मेरा इमेज यही बनेगा बात करते हैं सी की सी में क्या सीधा दे रखा है आपके सी में आपके ये चार उल्टा रख दिया ठीक है कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ अगर मैं बात करूँ तो किसको सीधा दे रखा है इसने इसने दे रखा के को उल्टा कर दिया तो इस तरीके से रिजेक्ट हो रहे हैं ए इसका सही आंसर हो जाएगा